हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखो, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आपने देखा होगा कि पाई, आपने यदि कहीं पर पढ़ा है तो आपको पता होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैं बताऊँगा कैसे है, क्यों है पाई अपरिमेय संख्या है तथा इसका मान जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या है। अब देखिए, पाई अपरिमेय है जबकि उसी का मान परिमेय है, ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसके ऊपर इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलने वाली है। हर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा और बहुत जल्दी आपका जो कंप्लीट सिलेबस है मैथ का वो भी करवाया जाएगा। बहुत जल्दी क्लासेस लाइव होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का टॉपिक है आपकी परिमेय अपरिमेय संख्या, जो भी संख्याओं के बारे में नॉलेज है वो यहाँ पर नंबर सिस्टम में आता है। तो देखिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ना जरूरी है, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे अपरिमेय के बारे में और परिमेय के बारे में, दोनों के बारे में और पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले देख लीजिए इन तीन संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, मतलब जहाँ से एक से गिनना शुरू करें और अनंत तक चले, तो वो सभी संख्या कौन सी होगी? प्राकृत संख्याएं होती है। ये आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। पूर्ण संख्याएं होती है जिनमें जीरो को और शामिल कर ले, मतलब ये तो होंगे ही एक से अनंत, तो ये तो देखो ऐसे कैसे आ गई, बस जीरो को और ऐड कर लिया यहाँ पर, तो ये कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या हो गई है। फिर पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक में देखो, ये पूरी की पूरी तो आ ही रही है, देखो ये पूरी आ गई, फिर ये जीरो भी आ गया, ठीक है जीरो भी आ गया, इसके बाद माइनस वाली संख्या और आ गई, मतलब प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, जीरो भी आ जाए, ये सभी संख्या कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्या। तो इन तीन संख्याओं के बारे में आपको ज़रूर से याद रखना है। और फिर अब आगे बढ़ते देखिए, अब आगे है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, एक बार वापस बता रहा हूँ, आपका ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद में आपके अभी तक और भी कुछ वीडियो आने वाले हैं परिमेय अपरिमेय के बारे में। तो आप सभी जो भी न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार हमारे चैनल पर है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक का मतलब मैंने क्या बताया था, जीरो प्लस और माइनस, जीरो प्लस माइनस हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, वो सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, और पी बटा क्यू आया मान लो, तो पी और क्यू क्या होना चाहिए, चाहे माइनस का आ जाए, चाहे प्लस का आ जाए, चाहे जीरो आ जाए, पी और क्यू का मान। लेकिन देखो, यहाँ पर एक शर्त है कि पी बराबर तो जीरो हो जाए लेकिन क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 4/5 है, तो 4/5 क्या है? 4 पूर्णांक संख्या हो सकती है, प्लस वाली है, 5 भी प्लस वाली है, तो 4 पी का मान, ये क्यू का मान, तो यहाँ पर 4/5 आ गया, मतलब ये पूर्णांक संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और देखते हैं इसके अलावा, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर आ जाता -4 आ जाता, तो -4 क्या है? पूर्णांक संख्या तो है ही ना, यहाँ पर ये 4 पूर्णांक संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। दोनों पर माइनस आ जाता तो भी यहाँ पर ये परिमेय संख्या होती, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है क्यू बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर ये आ जाता, यहाँ पर संख्या होती है आपकी, ये आ गया 4/0 आ गया, मतलब क्यू का मान कभी जीरो नहीं आना चाहिए, क्यू का मान कभी जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर यदि ऐसे हो सकता है क्यू बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, बस पी बराबर जीरो आ सकता है, यानी ये नहीं है कि हर जगह पी बराबर जीरो आएगा, कई कुछ जगह पर पी बराबर जीरो आ सकता है। जैसे मैं लिख दिया 0/5, अब पी का मान तो क्या हो गया? जीरो, और क्यू का मान क्या है? 5, तो ये क्या है? परिमेय संख्या कहलाएगी। बस शर्त क्या है? क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब आगे और लाइन लिखी है मैंने, इसमें भी पढ़ लीजिए आप, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, तो जैसे 1 है, 1/1 लिख लो, तो ये पी बटा क्यू का रूप हो गया, 2/1 भी हो सकता है, 3, 4, 5, जो भी प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मान लो कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है, तो आप कहोगे हाँ सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। देखो आगे लिखा हुआ है, जीरो परिमेय संख्या होती है क्या, है ना, जीरो भी परिमेय संख्या होती है। तो देखो, 0/ मैंने लिख लिया, 4 लिख लिया, तो 0 किसका मान है? पी का, और क्यू का मान कितना रहा है? 4, बस क्यू के बराबर में, क्यू के बराबर में क्या नहीं आना चाहिए था? 0 नहीं आना चाहिए था, पी बराबर 0 आ सकता है, तो 0/4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखते हैं आगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। मैंने आपको लास्ट एक वीडियो डाला था, लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा होगा पी बटा क्यू के रूप में बदलना,
यहाँ पर आपने देखा होगा पी बटा क्यू के रूप में बदलना, दशमलव भिन्न को पी बटा क्यू के रूप में बदलना। तो देखिए एक में दो का भाग देते हैं, एक में चार का भाग देते हैं, तो एक में दो का भाग देते हैं 0.5 आता है, मतलब लास्ट में शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। यदि यहाँ पर देखिए एक में चार का भाग दिया, एक में चार का भाग दिया तो 0.25 बार गया, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, जीरो। आप खुद भाग देके देख सकते हो, रुक जाएगा भाग, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन देखो जब एक में तीन का भाग देंगे तो देखो ये कभी नहीं रुकेगा, आगे आगे चलता रहेगा, शेषफल आगे आगे बढ़ता रहेगा और यहाँ पर भाग लगातार चलता रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, इसमें यदि एक में छः का भाग देंगे तो ये भी लगातार बढ़ता रहेगा, ये भी कभी नहीं रुकेगा, 0.46666 ऐसे चलता जाएगा। देखो भाग देख मैं देख यहाँ पर लिख दिया है, भाग देखकर आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, खुद पढ़ सकते हो आप, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। तो इनको देखिए अब, जो यदि भाग आगे न जाए, यदि रुक जाए तो उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार। और यदि भाग न रुके अनंत तक जाए तो उसे कहा जाता है अशांत दशमलव प्रसार। और यदि ऐसी संख्या आती है तो इन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखना मैंने बता दिया था आप लोगों को, जैसे तीन के ऊपर बार है, पिछला वीडियो है आप देख सकते हो, पिछला वीडियो था दशमलव भिन्न को पी बटा क्यू के रूप में बदलना, ये वाला क्यों आपको मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया होगा तीन के ऊपर बार है तो इसे क्या लिखेंगे, 3/9। यदि यहाँ पर 0.46 के ऊपर बार है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे जिसमें संख्या 46 है, इसमें क्या घटेगा, 4 घट जाएगा और बटा में 9 और 0 आ जाएगा। लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो, अभी समझ में नहीं आएगा। यदि किसी ने इस वीडियो को जो फर्स्ट बार देख रहे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा ये वाली चीज़, आप पिछला वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर दशमलव इनको पी बटा क्यू के रूप में चेंज करना बता रखा है। तो देखिए जो अनंत तक जाता है इनको पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, तो इनको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ सीखनी थी, शांत और अशांत बस ये सीखना था। अब देखते आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो अब आएगी अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या देखो क्या होती है, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है इरेशनल नंबर, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो देखो क्या होता है, वे संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। देखिए एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जैसे √2 है, √2 है। देखो जैसे भी मैंने पिछला बताया था कि एक पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको बताया था 0.3333 अनंत तक जाए तो इसे क्या लिखेंगे, जो बार बार आए उसके हर में 9 लगा देते हैं, 3 * 3 = 9, 1/3 आपका आंसर आ गया था, ऐसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन देखो यदि आपके पास ऐसे आ जाए √2, तो √2 का मान होता है 1.414 और भी रुकता नहीं है। अब इसमें यह नहीं पता लग रहा कि कौन बार बार आ रहा है, मतलब पुनरावृत्ति तो होती है लेकिन हमें नहीं पता कि किस चीज़ की कौन से अंक रिपीट हो रहा है बार बार, ये नहीं पता रहता, कभी 4 हो गया कभी 1 हो। हाँ तो देखिए जैसे √3 है, अब √3 का मान क्या होता है, देखिए √3 का मान होता है 1.732, इस तरह से होता है। अब आगे आगे चलेगा लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा है, देखो बार बार तो आ रहा है, अनंत तक तो आएगा लेकिन हमें ये नहीं पता, 7 आया, 7 के बाद 3 आया, 2 आया, फिर और भी कुछ अंक आते रहेंगे, कभी 5 कभी 4 कभी 3 कभी 2, इस तरह से अनंत तक बढ़ेगा। तो देखो हम यहाँ पर इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यदि आपके पास ये आ जाता जैसे 6 7 6 7 6 7, यदि ऐसे आपको लगातार पता लगता रहे कि कौन कौन आ रहा है तो ये फिर परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, यदि 6 7 बार बार आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे 6 7 और बटा में 99, 67/99, तो पी बटा क्यू का रूप आ गया, लेकिन उसमें पी बटा क्यू का रूप नहीं आ रहा था। देखिए आगे बढ़ते हैं, √5 भी इसी तरह से, √6 भी इसी तरह से, √3, जैसे मान लो एक चीज़ जरूर याद रखना, जैसे √25 आ गया, अब √25 एक अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये परिमेय संख्या है न कि अपरिमेय संख्या। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, 2√3 हो गया और फिर पाई आ गया। तो अब ध्यान से समझना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि देखो पाई का मान होता है ना, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है पाई का मान, देखिए पाई का मान आएगा 3.14159253535, अब आगे भी चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। देखिए आपको इसमें पता नहीं लग रहा है, आपको इसमें पता नहीं लग रहा है कि कौन बार बार रिपीट हो रहा है, कभी कौन आ रहा है कभी कौन संक आ रहा है, तो इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इस वीडियो को समझने के लिए पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ये बात जरूर समझ ले। आपको तीन टाइप मैंने बताए थे, तीन टाइप करवाए थे, तीनों टाइप अच्छे से देख लेना, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर
इसमें हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सा अंक कब आ रहा है, कौन सी जगह रिपीट हो रहा है, ये नहीं पता लग रहा, बस बार बार आ रहा है ये जरूर पता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो देखो आपको मैं बता दूं, पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, सिर्फ माना जाता है 22/7। 22/7 है परिमेय संख्या, ये परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पर 22/7 मान होता नहीं है, माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखो यहाँ पर 3.14 है ना, इस आधार पर बस इसे लगभग मान मान लेते हैं। पाई का मान अनंत तक तो लेंगे नहीं, 3.14 ले लेंगे, और 22 में 7 का भाग देते हैं तो भी देखो 3.14 स्टार्टिंग में आ ही रहा है, इसलिए लगभग मान मानते हैं। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखना। सिर्फ हम मानकर हल करते हैं, लगभग मान मानकर फिर हल किया जाता है। तो देखो 22 में यदि 7 का भाग देंगे ना, देखो परिमेय संख्या क्यों होती है 22/7, यदि 22 में 7 का भाग देंगे तो आप देखना 3.14285 तो आ गया, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर वापस से जब आगे भाग दोगे आप तो वापस 1, 4, 2, 8, 5, 7 वगैरह ऐसे, मतलब पुनरावृत्ति होगी, ये पक्का है। आप देख रहे हैं इसमें इन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। जब यही अंक बार बार आते हैं तो इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हमें पता लग जाए ना कौन बार बार आ रहा है, उसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और पी बटा क्यू के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हें कौन सी संख्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान रखना ये परिमेय और ये अपरिमेय, इनको जरूर याद रखना। आप ये वाले क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ कि जैसे 1/4 व 1/5 के बीच के परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, कितनी होंगी। चार, इसमें अनंत परिमेय संख्या होती है वैसे, लेकिन कौन कौन सी होंगी, कोई 4 बताओ, कोई 5 बताओ, इस तरह से परिमेय संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये वाला अपना नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो जो भी स्टूडेंट है जिनको ये चीज़ें सीखनी है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में और भी वीडियो आने वाले हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। लेकिन आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट है जो देख रहे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं पूरी कंप्लीट सिलेबस की लाइव क्लासेस देने वाला हूँ। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।